उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि, 170 से ज्यादा लोगों का अब भी कोई पता नहीं। युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव कार्य। ऋषि गंगा और तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लापता कर्मचारियों की तलाश में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। दोनों परियोजनाओं को करीब 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। तपोवन के मीन टनल में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए रात भर चला मलबा निकालने का काम। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ आर्मी के करीब 300 जवान कर रहे हैं जिंदगी की तलाश। एनटीपीसी के तपोवन पावर प्रोजेक्ट की जिस टनल में अभी लोग फंसे हैं उसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 130 मीटर तक मलबा हटाया गया है। तपोवन की टनल में 180 मीटर के बाद एक मोड़ है। राहत कर्मियों को उम्मीद है इस मोड़ के आगे मलबा नहीं भरा होगा, इसलिए बच सकती है मजदूरों की जिंदगी। उत्तराखंड में पानी के सैलाब ने मचाई अभूतपूर्व तबाही। हादसे के बाद 70 मीटर ऊंचा तपोवन बैराज मलबे से ढक गया। उत्तराखंड में जहां से हुई बाढ़ की शुरुआत वहां पहुंचा एबीपी न्यूज। हिमालय की बर्फीली चोटियों से बर्फ पिघलने के निशान दिखे। इसरो ने उत्तराखंड में तबाही के पहले और बाद की तस्वीरें जारी की। इसरो के मुताबिक बर्फ पिघलने की वजह से आई भयंकर बाढ़। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने उत्तराखंड में बाढ़ से तबाह हुए बिजली परियोजनाओं का जायजा लिया। बोले मृतकों के परिवार की हर संभव मदद करेगी सरकार। ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ के बाद चमोली के कई गांवों का संपर्क टूटा। आईटीबीपी के जवान हेलीकॉप्टर से राशन और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत बोले त्रासदी के बाद 360 परिवारों से संपर्क टूटा है। मलबा ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस समय हादसा हुआ उस समय पानी की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उत्तराखंड में आपदा वाले इलाकों में राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ ने कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया। देहरादून के कंट्रोल रूम से रखी जा रही है हर गतिविधि पर नजर। चमोली के रैणी गांव में जहां पुल टूटा है वहां सीमा सड़क संगठन एक अस्थायी ब्रिज तैयार करेगा। पुल बहने से गांव से संपर्क टूट गया है। चमोली के दूरदराज इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुल बहने और रास्ते बंद होने से फंसे हुए हैं लोग। चमोली हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए श्रीनगर डैम में एसडीआरएफ की टीमें चला रही हैं तलाशी अभियान। भारी मात्रा में गाद भरने की वजह से सर्च ऑपरेशन में भारी दिक्कत हो रही है। तपोवन में एनटीपीसी पावर प्लांट में लखीमपुर खीरी के कई मजदूर लापता, घरों में पसरा है मातम। पीएम मोदी ने उत्तराखंड त्रासदी को लेकर राज्य के सांसदों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उत्तराखंड त्रासदी पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हिमाचल में भी उत्तराखंड जैसी तबाही का खतरा। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 50 साल में राज्य का औसत तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है, जिससे पहाड़ों पर बन गई है सैकड़ों छोटी बड़ी झील। आइए इस त्रासदी की कुछ और खबरें आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड हादसे में मेरठ, श्रावस्ती, गोरखपुर, सहारनपुर के भी कई लोग लापता हैं। घर वालों को सता रहा है अनहोनी का डर। चमोली की बाढ़ में पटना के रहने वाले 28 साल के इंजीनियर मनीष कुमार भी लापता। जोशीमठ के पास ओम मेटल इंफ्राटेक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। चमोली में आई बाढ़ के बाद से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और पूर्वी मिदनापुर के 5 युवक भी लापता, तपोवन बिजली परियोजना में काम कर रहे थे। किसान आंदोलन का 76वां दिन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर डटे हैं किसान। संसद से पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। बोले जरूरत पड़ने पर कानून में सुधार को हम तैयार हैं, ठंड में बुजुर्गों का बैठना ठीक नहीं, घर लौटे आंदोलनकारी। किसान आंदोलन पर राजनीति करने वालों पर भी बरसे पीएम मोदी, कहा देश में आंदोलन जीवियों की नई बिरादरी पैदा हो गई है। जवाब में संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा आंदोलन जीवी होने का गर्व।
पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान को किसान मोर्चा ने बताया अपमान। कहा आंदोलनजीवियों ने ही भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी, बीजेपी और उसके पूर्वजों का कोई योगदान इसमें नहीं रहा। संसद के पटल से पीएम मोदी ने किसानों को एक बार फिर भरोसा दिया, बोले एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ये समय खेती को खुशहाल बनाने का है जिसे गंवाना नहीं होगा। एमएसपी जारी रहने के पीएम मोदी के भरोसे को किसानों ने खारिज किया। राकेश टिकैत बोले पीएम ने एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात नहीं कही, देश भरोसे से नहीं कानून और संविधान से चलता है। संसद में पीएम मोदी ने ममता सरकार को भी घेरा, बोले अगर राजनीति ना होती तो बंगाल के किसानों को भी केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलता। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा की जांच के लिए कांग्रेस ने भी जेपीसी बनाने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा सारे वीडियो सौंपे सरकार, जेपीसी बता लगाएगी, हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा ये चुनाव का नहीं रोटी का एजेंडा है, राजनेताओं को आने से हम कैसे रोक सकते हैं, कानून वापसी तक आंदोलन चलता रहेगा। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, सुबह 11 बजे संसद का घेराव करेगी। हरियाणा के सर्वखाप का ऐलान, 11 फरवरी को रोहतक में किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने वाले नेताओं का सम्मान करेंगे। पंजाब के मोगा में किसानों ने बीजेपी के पूर्व सांसद विजय सापला का विरोध किया, सापला के काफिले को रोकने की कोशिश हुई है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तोड़ी भाषा की मर्यादा, राहुल गांधी को मंद बुद्धि कहा, बोले उनको नहीं मालूम आलू जमीन में उगता है या जमीन के ऊपर या अंदर। किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के बाद लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट किए थे। लता मंगेशकर, सचिन जैसी हस्तियों के ट्वीट की जांच कराने के ऐलान से भड़की बीजेपी, जेपी नड्डा बोले देशभक्त भारतीयों का हो रहा है अपमान। कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में आपके सामने रख देते हैं। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के घर के बाहर स्वाभिमान क्षेत्रकारी संगठन ने किया प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर पूछा आप किसानों के लिए कब ट्वीट करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से दो दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर, दोपहर 12:40 पर तारापीठ में पूजा करेंगे, उसके बाद बीजेपी की दो परिवर्तन यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर सियासी संग्राम, बेलडांगा में बीजेपी के रथ को पुलिस ने रोककर दूसरे रूट से जाने को कहा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के दो पूर्व विधायक सुनील सिंह और विश्वजीत दास ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की, दोनों की तृणमूल में वापसी की अटकलें। कोलकाता में ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की, बोली केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को कोई मदद नहीं मिलती। तृणमूल से बीजेपी में जाने वाले नेताओं को मदद मिश्रा ने बताया कद्दू, म्यूजिक वीडियो बनाकर तंज कसा। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी कोटे से 9, जेडीयू कोटे से 8 विधायक मंत्री बनेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।